अस्सलाम वालेकुम, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। ठाणे के फूड एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट ने, इस डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं प्रदीप बाबाजी कुटे, इन्होंने अपनी टीम के साथ रविवार रात के दौरान जो है मुमरा बाईपास से सटे हुए वाई जंक्शन के पास एक कार्रवाई की। इस कार्रवाई में एक टेम्पो उन्होंने जब्त किया जिसमें बड़े पैमाने पर गुटखा भरा हुआ था। बताया जाता है वाई जंक्शन के आसपास ही कहीं गुटके का एक गोदाम है, वहीं से ये गुटका लाया गया था और आगे इसे सप्लाई किया जाना था। गुटके के इस टेम्पो को एफडीए ने मुमरा पुलिस की सहायता से रेड मारने के बाद जब्त किया है। वहीं गुटका ले जाने वाले इस व्यक्ति के खिलाफ जो है मुमरा पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 328, 188, 273, 179 और फूड सेफ्टी एंड मी एजरमेंट एक्ट जो है, यानी अन्न सुरक्षा कानून, इसके तहत जो है 26(2)(i) सेक्शन 26(2)(4) और सेक्शन 27(3)(e) रेगुलेशन एक्ट के तहत जो है प्रोहिबिशन और रिस्ट्रिक्शन ऑन सेल, इसका 2, 3, 4 इन धाराओं के तहत जो है ये मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल आरोपी पुलिस हिरासत में है और उसे अब थाने कोर्ट भेजा गया है जहां उसका रिमांड मिलेगा या वो न्यायिक हिरासत में जाएगा, इसका फैसला होगा। वहीं बड़े पैमाने पर मुमरा कौसा में गुटखा आमतौर पर बेचा जा रहा है, मिक्सिंग करके बेचा जाने वाला गुटखा, डायरेक्ट गुटखा, हर तरीके का गुटखा बेचा जा रहा है। इस टेम्पो में जिसका नंबर है MH04SD3798 ये पूरा भरा हुआ था और ये टाटा कंपनी का टेम्पो भी जब्त किया गया है पूरे माल के साथ। लगभग 15 लाख का गुटखा अलग अलग कंपनियों का इसमें मिला है, जिसमें गोवा है, RMD है, पुकार है, विमल है, ऐसे कई तरह के जो है गुटके और उसके मसाले जो मिलाने के, सुपारी में मिलाने के बाद गुटखा बनता है, ऐसे तमाम तरह के गुटखा का माल के गोनियां जो है इसमें मिली हुई है। ठाणे के FDA विभाग ने मुमरा पुलिस के सहायता से गुटखा व्यापारी पर प्रतिबंध होने के बावजूद उसकी जो सप्लाई और बेचने की जो ये पूरी चेन है उसमें की एक बड़ी कड़ी को पकड़ने की जो कार्रवाई की है उसकी जानकारी देने वाली थी आज की हमारी खबर। जल्दी हाजिर होंगे हम अपनी अगली खबर के साथ।